और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है, आपको बता दें तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान को गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी की सभा में चिराग को गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। सभा में एक शख्स ने चिराग को गाली दी और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। न्यूज नेशन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सभा में एक शख्स ने चिराग को गाली दी, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को तेजस्वी की सभा में गाली दी गई है। हालांकि जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है उसमें आप देखेंगे एक शख्स समझाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आप देखिए तस्वीरें, तेजस्वी जिस वक्त सभा को संबोधित कर रहे थे उस वक्त ही गाली दी गई। एक बार पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर आगे और इस पर आपको जानकारी देंगे। इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बताते हैं। इस वीडियो को लेकर के तेजस्वी यादव की सफाई आई है। वो ये कह रहे हैं कि सभा में कौन क्या बोलता है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, तेजस्वी की सभा में जो गाली दी गई उसको लेकर के अब तेजस्वी यादव की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं तेजस्वी। इसका कोई जानकारी नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें, तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। लेकिन बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। और इसी पर बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आ गई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं तेजस्वी की जगह होता तो मुंहतोड़ जवाब देता जो बातें कही गई सभा में उसको लेकर के। ये कह रहे हैं चिराग कि अगर मैं तेजस्वी की जगह होता तो मुंहतोड़ जवाब देता। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान को गाली देने का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज नेशन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं तेजस्वी की जगह होता तो फौरन इसका जवाब देता। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि कौन क्या बोलता है सभा में इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है। अशरफ अंसारी साहब जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं एलजेपी के। अशरफ साहब, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको आपने देखा और आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? जी नमस्कार। ये पहली प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही दुखी करने वाली है। हम समझते हैं कि इससे दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। और अभी आपने कहा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सभा में कौन क्या बोलता है ये मैं नहीं जानता, मतलब इससे आश्चर्यजनक और इससे घृणित कुछ बात नहीं हो सकती। मतलब कोई माँ बहन को गाली दे और आप उसको ये कह रहे हैं कि हाँ मैं कुछ नहीं जानता, ये इससे अमर्यादित कुछ हो सकता है क्या? अब आप और क्या कर सकते हैं, आप स्वयं गाली दीजिएगा तो आप लोगों को संतुष्टि होगी। और उससे भी आश्चर्यजनक है कि उनकी महिला प्रत्याशी वही है, उनके पार्टी के पूर्व मंत्री वही है और उनको एड्रेस करके वो व्यक्ति गाली बक रहा है, इतना गंदा बोल रहा है। और ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निश्चित तौर पे एकदम सही कहा कि अगर वो वहां होते और अगर तेजस्वी जी की माता जी या उनकी बहन को अगर कोई इस तरह से अपमानित शब्द का इस्तेमाल करता तो सच में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि अशोक साहब की वो सब वहां होता रहा और तेजस्वी को जानकारी थी उसके बावजूद भी उन्होंने जवाब नहीं दिया? आप कुछ देख लीजिए ना, वो वीडियो, वो बोल रहा है, वो आवाज लगा रहा है और आवाज लगा करके बोल रहा है,
इनको संबोधित करके, इनके मंत्री को संबोधित करके। ठीक है अशोक साहब, बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौट रहे हैं। मुझे एक मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। उत्कर्ष हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर है। उत्कर्ष, ये सभा में सब कुछ हुआ, तेजस्वी भले ही ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति हैं और कहा जा रहा है कि वो प्रत्याशी हैं, वो समझाते हुए हाथ जोड़ते हुए शांत होने के लिए कह रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, जो तेजस्वी यादव के जनसभा में जो तस्वीरें नजर आई है, कल अर्चना रविदास जमुई से जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं उनके लिए आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार करने तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन उसी मंच से नीचे कई कार्यकर्ताओं ने भद्दी भद्दी टिप्पणी जो है वो की है चिराग पासवान को लेकर और कहीं ना कहीं उनके परिवार को लेकर भी। हालांकि मंच पर कई नेता थे, वो उन्हें बोलने से रोकते नजर आ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने ये सारा घटनाक्रम जो है वो हुआ है। लेकिन आज तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि आपके कार्यक्रम में इस तरीके की घटनाएं हुई है, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहा जा रहा था। ठीक है उत्कर्ष, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन चिराग पासवान को गाली दिए जाने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। यही लोग हैं ना जो बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किए, यहां का उद्योग धंधा बंद किए, रोजगार का अवसर छीने, और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज की और गुंडा की भाषा में गुंडे की बात करवाते हैं। तो ऐसी मान निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। तो विजय सिन्हा को सुन रहे थे आप, कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग ये करते हैं और आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। उत्कर्ष लगातार बने। उत्कर्ष, बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को एक मौका मिल गया है, उनकी पार्टी को एक मौका मिल गया है, लेकिन क्या ये कार्रवाई होगी स्थानीय प्रशासन के स्तर पर, इसमें क्या हो रहा है? अब बिल्कुल देखिए, इस पर कार्रवाई को लेकर आज बीजेपी का महिला प्रकोष्ठ जो है वो चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। करीब 12:30 बजे का वो वक्त है वो दिया गया है चुनाव आयोग से। ये तमाम महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो मिलने जा रही है और कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कल सभा में की गई, तेजस्वी यादव के समक्ष की गई, वो प्रत्याशी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर इस तरीके की बात होती है तो मैं निंदा करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बचते नजर आए। चिराग पासवान ने बखूबी इन बातों को समझा और कल चिराग पासवान ने खुद जमुई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और वो तमाम बातें रखी कि राजनीतिक तौर पर मतभेद और मनभेद में फर्क होता है। जब मेरे पिता लालू प्रसाद यादव के साथ काम कर चुके हैं, तेजस्वी यादव खुद मेरी माता का आकर पैर छूते हैं, और इस तरीके का जब बयान दिया जाता है या कुछ जाहिर तौर पर ये चुनाव में